नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर मैं आप सभी लोग के लिए नया रेसिपी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं माँ की रसोई घर में। तो दोस्तों, आज मैं आम का अचार बना के आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए हम आम ले लिए थे, एक कच्चा आम है, और इस आम को अच्छे से इस तरह के पीस में हम काट लिए हैं। आप जैसे पीस में चाहें इस आम को काट सकते हैं और काट के अचार लगा सकते हैं। तो हमने इसे काट कर ले लिया और बढ़िया से इसे धो लिया है। और यह आम का अचार इतना टेस्टी बनता है कि खाने के बाद आप बाकी सभी अचारों के स्वाद भूल जाएंगे। और यह आम का अचार बनाना भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मेरे इस तरीके से जब आम के अचार आप बनाएंगे, इसे सालों भर जितना साल चाहिए रख के आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। अब इस कटे हुए आम को धूप में हम सुखाएंगे। तो चलिए इसे सुखाने चलते हैं। तो देखिए, आम को लेके हम धूप में आ गए हैं। तो अब इसे हम धूप में पसार देंगे सूखने के लिए। आज सारा दिन इसको सुखाएंगे, उसके बाद ही हम इसका अचार लगाएंगे। तो यहाँ पे चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा कर ले लिए हैं और आम को हम इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे। सारे आम को एक एक करके इस तरह इसके ऊपर पसार देंगे। सारा पसार के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सारे आम को इस तरह हमने धूप में फैला दिया। अब इसे सूखने देंगे, उसके बाद इसे अचार डालने के लिए उठा के ले जाएंगे। तो आम सूख गया, तो इसे हम लेके आ गए हैं। अब चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार के मसाले के लिए हम यहाँ पे पीला सरसों लिए हैं। काला सरसों आपके पास हो तो आप काला सरसों भी डाल सकते हैं, या फिर काला पीला दोनों सरसों को मिला के भी बना सकते हैं अचार को। तो हम यहाँ पे पीला सरसों लिए हैं और यहाँ पे मेथी दाना ले लिए हैं, अजवाइन ले लिए हैं, सौंफ लिए हैं और मंगरैल लिए हैं। तो इन सभी को हम भूनेंगे। तो गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें हम सरसों को डाल के भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा मसाला भूनेंगे। मसाले भून के अचार बनाने से अचार तुरंत खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो सरसों को कढ़ाई में डालकर इस तरह चलाते हुए इसे भून लेंगे। तो सरसों भून गया, चुटचुटाने लगा, तो इसे हम निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब हम मंगरेल को भूनकर निकाल लेंगे। तो मंगरेल भी भून गया, अब इसे भी निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। अब हम कढ़ाई में फिर से सौंफ डाल देंगे, मेथी दाना डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे और इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। तो इसे भी भून लिए, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इन सभी मसाले को हम ठंडा कर पीस लेंगे। इसे हम हल्का सा दरदरा पीसेंगे और मंगरेल को नहीं पीसेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसी तरह गोटा डालेंगे, इसे पीस देने से अचार कड़वा हो जाएगा। तो अब आम को हम ले लेंगे। और इसमें जो मसाले हम पीस कर लिए हैं, या सरसों को पीस लिए हैं और बाकी मसाले को दरदरा पीस लिए हैं और मंगरेल को गोटा ही छोड़ दिए हैं, इन सभी मसाले को इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हल्दी लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और नमक लिए हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा ही अचार में पड़ता है। अब इसमें हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल आप कच्चा भी डाल सकते हैं और गरम करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कच्चा सरसों तेल डाल रहे हैं। अभी हम कम ही तेल डाले हैं और कम ही तेल डालकर अचार को अच्छे से मसाले में और तेल में मिक्स करेंगे। आम को और तेल लगेगा तो और तेल रख लेंगे। बढ़िया से इसे चलाते हुए मिला लेंगे। इसमें और थोड़ा तेल पड़ेगा तो और हम डाल ले रहे हैं तेल। और इसे इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आम को अच्छे से मसाले और तेल में मिक्स कर लिए, अचार रेडी हो गया। अब इसे हम धूप में 2-3 दिन सुखाएंगे, उसके बाद अचार बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार खाने में।
तो इसे धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। तो उसके बाद अचार आप तुरंत खाइए या फिर कुछ दिन रख के खाइए। और ये अचार मतलब कि आपका जल्दी ख़राब नहीं होता है, आप साल भर से भी ज़्यादा इसको स्टॉक कर खा सकते हैं। और ये अचार जब कंप्लीट हो जाए तो आप टाइट ढक्कन वाले बोयाम में बंद कर रख दीजिएगा। अचार को आपको अच्छा से रखना है तो इसे कभी भी भींगा हाथे अचार को नहीं छुइएगा, पानी इसमें लगने से ही अचार ख़राब हो जाता है। तो आप इसे स्टॉक कर आप जब चाहें जितना दिन तक जितना सालों तक इसे रख कर खा सकते हैं। तो दोस्तों आम का अचार बनाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।